यहाँ की धरती बोलती थी एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एनडीए की ओर से आज बैठक बुलाई गई है, तमाम जो विधायक हैं चाहे जेडीयू के हों चाहे बीजेपी के हों, वो सभी 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, जहां पर एनडीए का नेता चुना जाएगा। लगभग नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग ही चुकी है, सिर्फ आज औपचारिक ऐलान बाकी है। ऐसे में उससे पहले बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होनी है और आप पहले देख सकते हैं तैयारियां हो रही हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री भी आज पहुंचने वाले हैं और ऐसे में तमाम जो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुँचे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जनता को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई है और ऐसे में आरजेडी के ऊपर भी पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। दरवाजे से घुसे हैं, पहले से बिहार की धरती बोलती थी एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, लेकिन आरजेडी बोल रही है कि आप लोग बैकडोर से आए हैं। आरजेडी बोल रही है, आरजेडी का कोई मतलब ना, वो तो भ्रम फैलाने का काम है, झूठे वादे की बुनियाद पर खड़े रहने की कोशिश कर रहा है यार। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे हैं, तस्वीर देखिए किस तरीके से नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। जो सभी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो सभी उनका स्वागत कर रहे हैं गर्मजोशी के साथ। एनडीए की जो जीत हुई है, कहीं ना कहीं दीपावली के इस त्यौहार के बाद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये बीजेपी कार्यालय के बाहर की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब पटना पहुंचेंगे, करीबन बताया जा रहा है दोपहर में वह पटना पहुंचेंगे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक होनी है एनडीए विधायक दल की, वहां भी वो शामिल होंगे। और ये बीजेपी कार्यालय की अंदर की तस्वीर देख सकते हैं आप, फूल मालाओं से द्वार को सजाया जा रहा है। अंदर में तमाम जो नेता हैं, तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सभी पहुँच रहे हैं। अटल सभागार में अंदर बैठक होनी है, बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद यहीं से सभी विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। उससे पहले नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुन लिया है। आप लाइव से साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। पहले से बिहार की धरती बोलती थी एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़।